पर्सनल मैनेजमेंट वो सब सब किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये क्या है, हमारे लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए मेरे को ये ज्वाइन करना पड़ा। तो आप कितने भाई हो? हम दो, मेरा छोटा भाई है, वो सीए की तैयारी कर रहा है। अब आपने अपना ये, हाँ तो ये तो करना ही था। अब पापा थे तो अब 60 ईयर्स के हो गए, दादा अभी भी काम तो कर रहे हैं, लेकिन संभालने के लिए तो हमको आगे आना पड़ेगा। जोधपुर सिटी अपनी दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है, पहला है यहाँ की रॉयल्टी और दूसरा है यहाँ के सुनहरे चमकते हुए मिर्ची बड़े। जी हाँ, जोधपुर की दो मशहूर दुकानें जहाँ का मशहूर है मिर्ची बड़ा, और बोला जाता है कि इन दोनों दुकानों पर मिर्ची बड़े गोली की स्पीड से बिकते हैं और एक दिन में करीब 10,000 मिर्ची बड़े इन दुकानों से बिक जाते हैं। और ऐसी ही दो मशहूर दुकानें हैं जिनमें से एक है सूर्या नमकीन और दूसरी है चौधरी मिर्ची बड़ा। वैसे तो सूर्या नमकीन अपनी मिर्ची बड़ों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन सूर्या नमकीन पर और भी चीजें बेची जाती हैं। इसी के साथ जोधपुर का एक मिर्ची बड़ा ऐसा भी है जो कि बहुत सादा तो है, लेकिन अपने अनोखे खट्टे स्वाद की वजह से पूरे जोधपुर में सबसे ज्यादा बेचा और खाया जाता है। जी हाँ, वो है चौधरी मिर्ची बड़ा। बहुत अच्छा। देखो, कोई भी नौकरी ऐसा काम नहीं देगी आपको। चौधरी समोसा मतलब जोधपुर का, यू नो। दो दिन चल जाता है मिर्ची बड़ा आज का बनाया हुआ। हाँ, मैं भी अभी जैसे जयपुर निकलूंगा तो आराम से आप लेके जा सकते हो, और फ्रिज में सप्ताह भर चल जाता है, और हमारे कचौरी सप्ताह भर चल जाती है बिना फ्रिज। वो कैसे? शेल्फ लाइफ, मोगर की कचौरी बनाते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। मिर्ची बड़े तो हमारे घर के वो बेसन और ये मसाला वगैरह ताजे पीसे गए ना, इसलिए इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। दूसरों का तो 4-5 घंटे में ही खराब हो जाता है, अपने 2 दिन चल जाता है। अच्छा, इसकी खटास का रास क्या है? वो एक अलग खटास आती है। नींबू सत डालते हैं, नींबू सत, यहाँ के लोग थोड़ा खट्टा ही पसंद करते हैं, तो उसी को ही ध्यान में रखते हैं, हमने उसको थोड़ा एनहांस किया है उस चीज़ को, ये कारण है। और ये चीज़ क्या, ठंडा होने के बाद भी है ना चटपटा लगता है, फिर नहीं तो दूसरों के मिर्ची ठंडा होने के बाद कोई मज़ा नहीं आता, ये ठंडा होने के बाद भी टेस्टी लगता है खटास की वजह से। मेरा नाम योगेश है। पूरा नाम? योगेश चौधरी। भैया, छोटे भैया का नाम? निशांत चौधरी। पिताजी का नाम? ज्योति प्रकाश जी चौधरी। और उनके उनके भी पापा मतलब मेरे दादा वेद प्रकाश जी, वो मसाला बनाते हैं। तो आपके दादाजी अभी भी अभी भी, हाँ वो मसाला वही बना के दे रहे हैं, हम भी नहीं बनाते हैं, मतलब फॉर्मूला उनके पास है। हाँ, उनके पास है। हमारे तो बारी नहीं आती, हमारे तो बेचना है खाली। ये रात के कुछ 8 बजे के आसपास भी देख लीजिए भीड़। भैया, मेरे 4 पैक करके और 2 दे देना है ना, मुझे लग नहीं रहा बचेंगे मेरे लिए। यह है जोधपुर का फेमस चौधरी मिर्ची बड़ा। हाँ 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 हाँ, गरम गरम। ये साइज में छोटा होता है, अमूमन जो मिलते हैं जोधपुर में मिर्ची बड़े वो साइज में थोड़े मोटे और बड़े होते हैं, बट चौधरी के जो मिर्ची बड़े हैं वो साइज में छोटे होते हैं, लेकिन तब भी ये बाकियों से ज़्यादा फेमस है। और उसका कारण है इसका मसाला जो कि बहुत खट्टा होता है, मतलब ये अलग से एक खट्टा स्वाद लेकर के होता है। और गरम गरम तो देखो, ये स्वाद मैं बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। आपने अभी तक, आप कहीं से भी हो, आपने कहीं पे भी अगर मिर्ची बड़ा या समोसा खाया होगा तो ऐसा फ्लेवर वाला, ऐसा खट्टा फ्लेवर और अलग सा खट्टा फ्लेवर आपने नहीं खाया होगा। और जो जयपुर में थोड़ा अलग होता है, आप समोसा मिर्ची बड़े या फिर कचौरी लेते तो उसके साथ हर कहीं आपको चटनी मिलती है, जोधपुर में चटनी का चलन बिल्कुल नहीं है, वो इस टेस्ट की वजह से, क्योंकि इसमें अपना ही एक अलग खट्टापन होता है जिसकी वजह से उसकी उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे ये यहाँ पर ब्रेड के साथ में सर्व किया जाता है, आप देख सकते हो वहाँ पे ब्रेड भी पड़ी हुई है। ये छाछ है, ये देसी गाय जो थारपरकर आती है उसके मिलोड़ने के प्रोसेस से की गई है। इसका घी भी बहुत शानदार है, प्योर चीज़ अपन जिसे कहते हैं, प्योर छाछ जो ओरिजिनल छाछ जिसे कहते हैं, वो है बिलोड़ा छाछ। आप
जो ट्रेडिशनल मेथड है बिलोना बोले तो वो जो वो चटनी करके दही से दही को बिलोते हैं, वो जो प्योर ऑथेंटिक प्रोसेस ट्रेडिशनल प्रोसेस है उसको प्रोसेस से करके तैयार की गई। तो देखा अपने जोधपुर वालों का मिर्ची बड़े के लिए प्यार। अगर आप कभी जोधपुर जाते हैं तो मिर्ची बड़ा खाना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।